अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के सागर सेंटर 310 में प्रवेश प्रारंभ, जिसमें करे सबसे लोकप्रिय डिप्लोमा प्राथमिक चिकित्सा उपचार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, नेहा नगर, मकरोनिया, सागर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। बुरहानपुर में रोड शो में शामिल होने आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में 2/3 अंकों से बहुमत में सरकार बनाएगी। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बयान मुफ्त की रेवड़ी शब्द बीजेपी की ईजाद है, कांग्रेस इसे जन कल्याण मानती है। इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस कहां जन कल्याणकारी योजनाओं का पालन करती है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी द्वारा नफरत भी हिंदू शब्द कही जाने पर उन्होंने कहा ये कांग्रेस की संस्कृति है, कभी भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का उपयोग करके सनातन हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राहुल गांधी को ले जाने के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा फिलहाल हमें असदुद्दीन ओवैसी की सलाह की जरूरत नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश चुनाव में हम बहुत अच्छी स्थिति है और मोदी जी के आने के बाद हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। अभी हम बहुमत है हमारा और मोदी जी और मम्मी शाह जी के आने के बाद 160 सीट हम जीतेंगे। हमने भी जनकल्याणकारी, इन्होंने कौन सा आज तक कभी जनकल्याण का काम किया ये बताएं कि इन्होंने कहा कि जनकल्याण का काम किया हो, गरीब कल्याण का काम किया हो। इंदिरा आवास योजना चलती थी जब साल भर में बड़ी मुश्किल में एक पंचायत में एक मकान नहीं पहुंचता था, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के हर पंचायत में कम से कम 100 मकान है हर पंचायत में प्रदेश की, और किसी किसी पंचायत में हजार हजार मकान है। ये गरीब कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन ये तो हमने किया है। जी तो पटवारी बोला कि कैलाश जी हार रहे हैं और उन्हें नफरती हिंदू शब्द का यूज किया है। मैं समझता हूँ कांग्रेस हमेशा हिंदुओं के खिलाफ एक नए नए शब्द का सृजन करती है। पहले उन्होंने भगवाधारी भगवा आतंकवाद की बात की थी, अब नफरती हिंदू की बात करने लग गए, क्योंकि उनको सिर्फ वोट चाहिए थे, एक विशेष वर्ग के चाहिए, और इसीलिए हमेशा हिंदुओं को वो इसी प्रकार से कमेंट्स करते रहे। आखिरी सवाल सर, ओवैसी जी ने कहा है कि मोदी जी राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा में जाए तो राहुल गांधी को भी लेके जाए। ओवैसी जी की अब सलाह की आवश्यकता पड़ेगी जब ले लेंगे, अभी उनकी सलाह की जरूरत नहीं। बुरहानपुर से शारिक अख्तर, सागर टीवी न्यूज। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के सागर सेंटर क्रमांक 310 में प्रवेश प्रारंभ, जिसमें करें सबसे लोकप्रिय डिप्लोमा प्राथमिक चिकित्सा उपचार। इसके अलावा भारत में पहली बार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी DEMS। इसके साथ साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट और बेसिक हेल्थ केयर PG डिप्लोमा में भी सीटें उपलब्ध। तो प्रवेश है सागर संभाग के सबसे पुराने और 100% रिजल्ट देने वाले सेंटर 310 में। ऑफिस का पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, नेहा नगर, मकरोनिया, सागर। मोबाइल नंबर 7000883432।